दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे एक मॉक प्रिंट किया जाता है। तो पहले क्या क्या लगेगा उसके लिए देख लीजिए आप। पहले एक मॉक चाहिए होगा, वो सफ़ेद। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक आयरन चाहिए होगा और एक सफ़ेद मॉक। उसके लिए आपको पहले मॉक का ये मापी करना होगा। पहले लंबाई और चौड़ाई में देख लीजिए कितना माप उसका है, टेप से माप लीजिए। उसके बाद उसी साइज का एक प्रिंटर लेके एक फोटो आपको प्रिंट चाहिए होगा। एक डेस्कटॉप प्रिंटर से आप ये फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए फोटो पेपर चाहिए होगा। देखिए, ऐसे फोटो आपको मिलेगा, इसी साइज से आपको लेना होगा। आपने जो फोटो प्रिंट किया था उसका माप देख लीजिए, ठीक है कि नहीं पहले लिया हुआ माप से। उसके बाद एक काप के ऊपर इसको उल्टा करके लगा दीजिए, एकदम सही तरीके से लगाइए, जैसे आप फोटो में, आप वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद एक सेलो टेप लेके वो ठीक तरह से चिपका दीजिए। जिससे ये फोटो हिले नहीं। देख लीजिए, ऐसे अच्छी तरह से चिपका लीजिए। हाँ, ऐसे करके कर लीजिए। अच्छा, आप एक आयरन को हीट करके हीट कर लीजिए। हाँ, ऐसे तरह देख लीजिए, आयरन हीट हो रहा है। ऐसे करके आयरन मॉक के ऊपर जो फोटो लगा हुआ है उसके ऊपर ऐसे करके आयरन को आयरन कीजिए इसके ऊपर। ठीक, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसी तरह से आपको करना होगा। धीरे धीरे करके करिएगा। कोई भी जगह छूट नहीं जाए। अच्छी तरह से ऐसे आयरन कर लीजिए। हाँ, ऐसे आप ये सेलो टेप खोल के ये देखिए फोटो कैसे उसके ऊपर आ गया। धीरे धीरे करके सेलो टेप को खोल लीजिए। ये देखिए आपका फोटो आ गया है मॉक के ऊपर। हाँ, ये देखिए ऐसे फोटो आपका प्रिंट हो सकता है मॉक के ऊपर। ये देखिए फोटो का पूरा जो कलर है पूरा मॉक के ऊपर आ गया है, फोटो पूरा सफेद हो गया। आप ये मॉक हम पानी में डालेंगे, पानी में डाल के इसका वाटर टेस्ट भी कर लेना होगा। देख लीजिए कोई रंग पानी में आ रहा है कि नहीं। देख लीजिए ऐसे कोई भी रंग पानी में घुल नहीं रहा है, ये अच्छी तरह से प्रिंट हुआ है।
देख लीजिए एकदम सुंदर आ गया है पूरा। तो घर बैठे आपने सीख लिया कैसे एक कॉफी मॉक प्रिंट किया जाता है। थैंक यू दोस्तों।